नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से, उसकी रहमतों से हमेशा भरी रहें। दोस्तों, आज सपने की सीरीज में हमारा विषय है सपने में चूड़ियाँ देखने का क्या मतलब होता है। देखिए, हम चूँकि भारतीय समाज और संस्कृति में रहते हैं और अपने देश, हमारे देश भारत में चूड़ियों को, और खासकर यदि वो कांच की चूड़ियाँ हैं, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, दाम्पत्य के प्रेम का। और आप देखेंगे कि सभी शुभ कार्यों में चूड़ियों का बड़ा विशेष महत्व होता है, खासकर सुहागिन स्त्रियों के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। आज मैं इस ड्रीम की व्याख्या आपसे साइकोलॉजिकल और एस्ट्रोलॉजिकल दोनों रूप से करूँगी, साथ ही विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न रंगों की और विभिन्न तरह के धातुओं की चूड़ियों को देखने का क्या मतलब होता है और इसका एस्ट्रोलॉजिकल भी क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी। अगर साइकोलॉजिकली बात करूँ, तो यदि आप सपने में खुद को चूड़ियाँ पहने हुए देखते हैं या आप किसी दूसरी महिला को, व्यक्ति को चूड़ी पहने हुए देखते हैं, या आप ऐसी दुकान देखते हैं जहाँ पे चूड़ियाँ रखी हुई हैं, तो सपना आपको बताता है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको संकेत दे रहा है कि जो भी कार्य आप करते हैं, हो सकता है आप हाउसवाइफ ही हो या आप एक वर्किंग लेडी हो, लेकिन जो आपका कमिटमेंट है अपनी फैमिली के लिए, जो डेडिकेशन है, जो आपके अंदर वो जो फीलिंग है और आप जो निरंतर उनके लिए प्रयास कर रही हैं, वो आपको उस चीज़ पर गर्व करना चाहिए। मतलब आप जो भी कार्य कर रही हैं, साइकोलॉजिकली ये सपना बताता है कि आपको अपने अच्छे कार्यों का रिवॉर्ड मिलने वाला है। मतलब यह कार्य आप बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं, तो आपका जो माइंड है वो आपको संकेत कर रहा है कि आपको परेशान होने या फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। यू आर डूइंग वेल योर वर्क, और आपकी आत्मा आपको संकेत दे रही है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको संकेत दे रहा है कि आप स्ट्रेस ना लेकर अपने कार्यों को इसी कमिटमेंट के साथ, इसी खूबी के साथ आप करें, और आपको आपके परिवार से उतना ही प्रेम और स्नेह मिलेगा। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग की, कि यदि सपने में आप चूड़ियाँ देखते हैं तो क्या मतलब होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आप सपने में खुद को या किसी अन्य महिला को चूड़ी पहनते हुए देखते हैं, तो एक बहुत ही शुभ सपना होता है। इसे सौभाग्य वृद्धि या निकट भविष्य में कोई अच्छी खुशखबरी मिलने का संकेत देता है। और स्पेशली यदि बार 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 एक ही तरह का सपना आ रहा है, तो श्योर इसका कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग भी हो सकती है। इसके अलावा यदि आप सपने में खुद को सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ पहने देखते हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ हमारे स्वप्न शास्त्र के अनुसार बहुत ही शुभ होती है, और यह भी सौभाग्य वृद्धि और धन वृद्धि या किसी नवीन अवसर की प्राप्ति का संकेत देती है। यदि आप सपने में चूड़ी तोड़ देते हैं या सपने में चूड़ी आप टूटी हुई देखते हैं, घबराइए मत। देखिए, जो चूड़ी टूटती है वो तभी टूटती है जब किसी महिला का पति मर जाता है हमारे भारतीय समाज में, तो घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे ये संकेत ये नहीं है कि आपके साथ कुछ बुरा होगा, यह संकेत ये है कि महिला ने इस तरह का सपना देखा है, उसके जीवन साथी या जिससे वो प्रेम करती है, उसकी उम्र में वृद्धि होगी, वो दीर्घायु होगा, या कोई ऐसा कष्ट जो एस्ट्रोलॉजिकली कोई कष्ट, कोई ग्रह दशा आने वाली होती है, वो टल जाएगी। यदि आपको ऐसा सपना आ रहा है और तब भी मन घबरा रहा है, क्योंकि देखिए मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैम मैं बहुत डर रही हूँ, घबरा रही हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। आप शिव जी की पूजा करें, क्योंकि सबसे बड़े संकट को हरने वाले वही हैं। आप शिव जी की पूजा, अगर इस तरह का कोई सपना आ रहा है और आप डर रहे हैं, खैर डरने की बात नहीं, लेकिन फिर भी यदि आपके मन में कहीं वहम है, कोई डर है, तो आप शिव जी की पूजा करें, उनको जल अर्पित करें और साथ में काले तिल जरूर चढ़ाएं। काले तिल चढ़ाने से बहुत सारे कष्टों का और खासकर राहु केतु की समस्याओं का निवारण होता है, और साथ ही साथ चंदन का तिल सॉरी चंदन का जो तिलक होता है वो अर्पित करें, और साथ ही साथ काले तिल अर्पित करें, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्रह दोषों में भी आपको शांति मिलेगी।
इसके अलावा यदि सपने में आप लाल रंग की चूड़ियां देखते हैं तो बहुत ही शुभ सपना है। यह भी सौभाग्य वृद्धि, धन वृद्धि, रोजगार में तरक्की या किसी नवीन अच्छी खुशखबरी आपको मिल सकती है। यदि सपने में आप चूड़ा देखते हैं या किसी युवा महिला को चूड़ा पहने हुए देखते हैं या खुद को चूड़ा पहनते हुए देखते हैं या प्लास्टिक की चूड़ियां भी देखते हैं आप, तो भी एक शुभ ही सपना होता है। इसके लिए आप वेरिएशन ये मत देखें कि जी कांच की चूड़ी होगी तो शुभ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। चूड़ियों का सपना बहुत ही शुभ होता है, चाहे आप चूड़ा देखें चाहे कांच की चूड़ियां देखें। इसके अलावा बहुत बार लोगों के ये भी क्वेरी आई कि हमने हरे रंग की चूड़ियां देखी। देखिए, हरा रंग दो तीन चीजों को बताता है। एक सुख सुख को बताता है, सौभाग्य को बताता है, समृद्धि को बताता है। इसके अलावा शांति को भी बताता है हरा रंग। तो यदि आपको बार बार हरी चूड़ियों का सपना आ रहा है तो यह निकट भविष्य में आपकी लाइफ में सुख, शांति और समृद्धि के बढ़ने की ओर संकेत करता है। इसके अलावा यदि आप सपने में खुद को चांदी की चूड़ी पहने देखते हैं या किसी व्यक्ति ने आपको चांदी की चूड़ी गिफ्ट कर दी है या आप किसी दूसरी महिला को चांदी की चूड़ी पहने देखते हैं, तो भी एक बहुत शुभ सपना है या जिंदगी में नवीन तरक्की और खुशियों के मिलने की ओर संकेत करता है। इसी तरह से यदि आप सोने की चूड़ियां देखते हैं तो ये भी बुरा सपना नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग सोने को सपने में देखना अशुभ मानते हैं। लेकिन यदि आप चूड़ी को सोने के रूप में देख रहे हैं या आपको ये कोई दे रहा है या आप पहन रहे हैं, तो ये अशुभ नहीं होता, ये उल्टा शुभ होता है और ये सौभाग्य में वृद्धि करने वाला होता है। यदि आप सपने में अपनी कोई कीमती चूड़ी, जैसे सोने की, चांदी की या कोई कीमती चूड़ी आपकी खो गई है, आपको नहीं मिल रही है, तो देखिए ये ड्रीम एस्ट्रोलॉजिकली अच्छा नहीं माना जाता, मतलब किसी परेशानी या चिंता के होने की ओर संकेत करता है। और यदि साइकोलॉजिकली बात करूँ तो जब मन किसी समस्या या किसी परेशानी से घिरा रहता है तब भी हमें इस तरह के सपने आते हैं जिसमें या तो हमें चूड़ी टूटती हुई दिख रही होती है या हम अपनी चूड़ियों को खोते हुए देखते हैं। तो अगर आपको ऐसे सपने आ रहे हैं तो अपनी समस्याओं को समझें, प्रॉब्लम्स को समझने का प्रयास करें कि दिक्कत कहाँ पे है, और आप जब उस पर वर्क करेंगे तो निसंदेह आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमारे मन में ही छुपा होता है। ड्रीम जो एस्ट्रोलॉजिकल होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं, ज़्यादातर ड्रीम आपके साइकोलॉजिकल होते हैं। पहले अपने मन पे वर्क करें और जब आपको लगे कि नहीं आपका मन बिल्कुल सटल है, सही वर्क कर रहा है और आप चीज़ों को सही ढंग से कर रहे हैं, तब आप उनके एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग्स की तरफ जाएं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।